हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको म्यूजिक का क्वेश्चन उपलब्ध करा रहा हूँ। फिर से 15 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है, काफ़ी VVI क्वेश्चन है जो कि 2020 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? तो संगीत में कुल 7 स्वर होते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि लय कितने प्रकार के होते हैं? सेकेंड माने कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि लय कितने प्रकार के होते हैं? तो लय 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि थाट में कितने स्वर लिए जाते हैं? तो 7 स्वर लिए जाते हैं। अगर पूछ दे आपसे कि थाट कितने प्रकार के होते हैं, तो वह 10 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राग विहाग थाट क्या है? तो यह कल्याण से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राग भैरव का गायन समय क्या है? तो यह प्रातः काल होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राग केदार का वादी स्वर क्या है? तो म होगा। राग केदार का वादी स्वर क्या है? तो इसका आंसर म होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पंडित पानालाल घोष क्या बजाते थे? तो यह बांसुरी बजाते थे। पंडित पानालाल घोष बांसुरी बजाते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पंडित कृष्ण राव शंकर किस घराने से हैं? तो यह ग्वालियर घराने से आते हैं, पंडित कृष्ण राव शंकर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नाद कितने प्रकार के होते हैं? तो या तो आप लोगों को पता ही होगा कि नाद 2 प्रकार के होते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ठाट कितने प्रकार के होते हैं? ठाट कितने प्रकार का होता है? तो ठाट 10 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो रूपक ताल में लगभग 3 विभाग होते हैं। रूपक ताल में 3 विभाग होते हैं। शुद्ध और विकृत मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो शुद्ध और विकृत मिलाकर कुल 12 स्वर होते हैं। 5 विकृत होता है और 7 शुद्ध होता है, दोनों मिलाकर 12 होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संगीत में नाद से उत्पन्न होता है, यानी कि इनके कहने का मतलब है कि संगीत में नाद से क्या उत्पन्न होता है? तो यह श्रुतियाँ उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि श्रुतियाँ कितना होता है? तो यह 22 होता है। सॉरी, इसका हाँ है, इसका आंसर होगा 22। क्वेश्चन नंबर 15 है, राग में कम से कम कितना स्वर होना चाहिए? तो राग में कम से कम 5 स्वर होना अनिवार्य होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। प्लीज़ भाई, अगर आप चाहते हैं कि म्यूजिक का इम्पोर्टेंट